हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पार्ट टू का एग्जाम है ये 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और जो पार्ट थर्ड का एग्जाम है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 22 अप्रैल से। ठीक है, इसके साथ आपको ये भी पता है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट है ये भी निकला हुआ है, और आपके यहाँ आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के डेट को भी शेड्यूल कर दिया गया। मतलब आपके फाइनल एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम को भी कॉलेज में लिया जाने का प्लान सेट कर दिया गया, और इसके अकॉर्डिंग कॉलेज में एग्जाम का जो प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट है ये भी आ चुका है। सवाल आता है कि भाई पार्ट टू का जो एग्जाम है या फिर पार्ट थर्ड का जो एग्जाम है इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी किया जाएगा और ये रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, और इसके साथ में ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम का क्या रहेगा, एग्जाम इस बार डिफिकल्ट मोड में रहेगा या नॉर्मल मोड में रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब कि एग्जाम के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या ज्यादा पेज लिखने से नंबर ज्यादा नंबर आता है या क्या इसको लेकर के कंक्लूड है, ये सारा टिप्स एंड ट्रिक्स आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। साथ ही साथ एडमिट कार्ड का पूरा अपडेट इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। अगर मैं रियलिस्टिक को चीज चेक करूं, अगर मैं चीजों को चेक करूं तो अभी मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूं, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आने के बाद में अभी कहीं पे भी पार्ट टू एंड पार्ट थ्री का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का नाम चीज नहीं बताया गया। हालांकि ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो एग्जाम फॉर्म भरा है वो ऑफलाइन भराया है कॉलेज से, तो आपके पास फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। जिनके पास फॉर्म नंबर नहीं होगा वो एडमिट कार्ड आने से पहले फॉर्म नंबर कलेक्ट अपने कॉलेज से जरूर करें। अब क्या है पूरा अपडेट समझिएगा वन बाई वन करके। सबसे पहले यहाँ पे एक दो बात है जो एक दो बात आपके लिए क्लियरेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जो पेपर का अपडेट है पेपर का अपडेट पढ़ लेते हैं ताकि आगे अच्छे से समझ सके चीजों को, या पहले थोड़ा सा अपडेट को ही ऐसे समझते हैं। आपको पता है कि पार्ट टू का जो एग्जाम है और ये जो पार्ट थ्री का एग्जाम है ये एग्जाम स्टार्ट है 20 अप्रैल से, और ये एग्जाम स्टार्ट है कब से, 22 अप्रैल से। फॉर्म जो इस बार भराया है वो कैसे भराया है, ऑफलाइन भराया है दोनों का फॉर्म। और आपको पता है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, फॉर्म नंबर। ठीक है, और जो फॉर्म नंबर होगा वो किस तरीके से होगा, 240 ऐसे करके फॉर्म नंबर होगा, आगे से 240 को छोड़ करके जो बाकी का नंबर है ये सब नंबर के थ्रू, ये मतलब ये जो पूरा नंबर है ये पूरा नंबर कहलाता है फॉर्म नंबर। और फॉर्म नंबर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपके पास फॉर्म नंबर चाहिए, कौन सा फॉर्म नंबर, एग्जाम फॉर्म नंबर, जो भी आप भरे एग्जाम वो वाला फॉर्म नंबर। साथ में आपका क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ यानी DOB चाहिए, और इस दोनों के हेल्प से आप क्या करते हैं अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये दोनों नंबर आपके लिए मस्ट है। एग्जाम फॉर्म नंबर आपको कहां से मिलेगा, तो जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म भराए होंगे कॉलेज में तो वहां के जो स्टाफ होंगे वो आपको एग्जाम फॉर्म लिखा दिए होंगे नंबर, या फिर आपको कहीं ना कहीं कंटेंट से आपको मिल गया होगा कि ये आपका एग्जाम फॉर्म नंबर है, या फिर क्लास में बता दिया गया होगा, क्योंकि इसी से आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अब आगे के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म के साथ कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और कब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे समझिएगा, ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है यहाँ पे आ जाएगा, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पोर्टल है, और यहाँ पे जैसा लिंक देखिए पुराना है, ये बी फार्मा का एडमिट कार्ड देख रहे हैं, इसी तरीके से आपके लिए भी आ जाएगा एडमिट कार्ड फॉर BA BSc BCom, मतलब UG पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके आ जाएगा। और जैसे ही एडमिट कार्ड आता है फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ, हालांकि एडमिट कार्ड कब आएगा ये सुन लीजिए एग्जैक्ट। अगर आप इस पेपर के अपडेट को पढ़ते हैं अच्छे से तो क्या क्या बात बताया गया, देखिए जल्दी से पढ़ते हैं। राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। खैर, तो यहाँ पे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षा 20 एवं 22 अप्रैल से प्रारंभ होगी, और बुधवार को कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह की अध्यक्षता में इसको लेकर के एग्जाम को लेकर के बैठक हुई, यानी कल बैठक हुआ है, बुधवार आज बृहस्पतिवार था। अब आगे की कहानी को सेट कीजिए। तो भाई बुधवार को बैठक हो गया, बुधवार के बैठक में सारा प्लान बन गया। आज अपना क्या है, आज अपना बृहस्पतिवार है, या कहिए इंग्लिश में क्या कहिए इसको, आज थर्सडे है, आज क्या है छुट्टी है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, यानी थर्सडे हो गया, फ्राइडे भी छुट्टी हो गया, बचा क्या सैटरडे। डेट के हिसाब से चलिएगा तो आज का डेट क्या है, 11 है। ठीक है, आज का डेट 11 है, कल था 10 को बैठक हुआ है, 11 आज छुट्टी है, 12 छुट्टी है, फिर 13 सैटरडे होता है, फिर 14 संडे होता है, 15 मंडे होता है। ठीक है, एडमिट कार्ड जान लीजिए, एडमिट कार्ड आपका मंडे को, आपका एडमिट कार्ड मैक्सिमम प्रोबेबल है कि एडमिट कार्ड आपको मंडे को जारी कर दिया जाए। ठीक है, जो एडमिट कार्ड ऑफिशियली है ये मैक्सिमम है कि मंडे को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये चीजें
थोड़ा सा जब 14 जब आपका ना ये जब 12 हो गया 13 हो गया यहाँ पे देखिएगा, जब 13 को थोड़ा सा कॉलेज खुलेगा वहां पे भी हिंट हो सकता है। हो सकता है ये जो सैटरडे के दिन है इसमें एडमिट कार्ड आने की जो चांसेस है ये 70% चांस है कि आपका सैटरडे को ही एडमिट कार्ड आ जाए। बट अगर सैटरडे को एडमिट कार्ड किसी कारणवश नहीं आता है तो 95 से लेकर के 99% तक मान के चलिए एडमिट कार्ड आपका मंडे को आ जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा फिर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया फॉर्म नंबर जरूर तैयार रखिएगा, अगर कहीं पे लिख के रखे तो खोज करके रखिएगा क्योंकि उसी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम को लेकर के। आपको पता है पार्ट टू का एग्जाम 20 से है, पार्ट थर्ड का एग्जाम 22 अप्रैल से है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में रिलैक्सेशन रहेगा, छूट रहेगा, ठीक है, ये चीज जान लीजिएगा एग्जाम में छूट रहेगा। अब इस छूट का कैसे फायदा उठाना है ये सुनिए। देखिएगा इस बार के एग्जाम पैटर्न में क्यों छूट रहेगा, क्योंकि आप लोग जो है ये सब पुराने सिस्टम में है और बिहार में जो अब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो नया सिस्टम है ये लागू हो चुका है, मतलब सीबीसीएस सिस्टम लागू हो चुका है। तो यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि जल्दी जल्दी पुराने वाले स्टूडेंट्स क्या हो इसको क्लियर करे और वो ताकि वो अब जो नया सिस्टम है उसके अनुसार से सारा उनका क्लास सेट हो सके। अगर ये एग्जाम डिफिकल्ट लेती है, अगर ये एग्जाम टाइट करेगी तो समझ लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पुराने पैटर्न के जो स्टूडेंट है ना उनको अच्छे से क्लासेस दिया गया है ना अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर एग्जाम टफ कर दिया जाएगा तो बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर जाएंगे, क्रॉस लग जाएगा और फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को ही तकलीफ होगा कि फिर से एग्जाम लीजिए और फिर सारे स्टूडेंट्स का हैंडल कीजिए। इसलिए एग्जाम में छूट रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन हाँ, ये छूट का मतलब नहीं है कि फोन निकाल करके आप लिखना स्टार्ट कर गए या फिर पूरा गेस्ट पेपर छापना स्टार्ट कर गए, ये नहीं छूट करने का मतलब होता है। छूट करने का मतलब होता है कि शुरुआती के 1 से 2 घंटे थोड़े से गार्डिंग वगैरह थोड़े से अच्छे से प्रॉपर से चलेंगे, बाकी 1 घंटा का आपको पूरा जम करके छूट मिलेगा और उस लास्ट का 1 घंटा का एकदम बेतोड़ आपको फायदा उठाना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, एकदम से तैयारी करके रखिए ताकि आप क्या कर सके, इस लास्ट के 1 घंटा का फायदा उठा सके। और ये रियलिस्टिक है, ये ऐसा नहीं कि मैं कोई एक लिमिटेड कॉलेज के लिए कर रहा हूँ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो या एएन हो या जेडी हो या बीडी हो या फिर टीपीएस हो या फिर अपना राजगीर का कॉलेज हो या नालंदा का हो, सब जगह का यही पॉलिसी है, ठीक है। और इसी को लेकर के बैठक हुआ है कि भाई स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा पास कर सके ऐसा आप काम कीजिए। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पेपर का अपडेट करता है। इसमें देखिए अधिकारियों के साथ पूरी बात हुई और अधिकारियों के साथ ये पूरी डिस्कशन इसी सब टॉपिक्स को लेकर के हुआ है, ठीक है, कि एग्जाम में क्या कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर सके, पास कर सके, ये चीजों पर ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज पे आपके लिए कंटेंट है। अब एग्जाम के टिप्स के बारे में समझिए, क्या यहाँ पे 2 सवाल आता है स्टूडेंट्स का, क्या ज्यादा पेजेस लिखने से नंबर आता है, ज्यादा पेजेस लिखने से नंबर आता है या फिर कम पेज लिखें और ज्यादा क्वेश्चन टच करें। देखिएगा सबसे पहली बात है कि इस यूनिवर्सिटी के कॉपी में यानी यूनिवर्सिटी कॉपी चेकिंग प्रोसेस में ये बात जान लीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा शिद्दत से एक एक लाइन करके आपका पढ़ा जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका एक एक लाइन करके टीचर्स पढ़ते आंसर उसके बाद नंबर देते, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सबसे पहला चीज होता है मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करना, ठीक है, मतलब जितना क्वेश्चन आपको दिया गया उतना क्वेश्चन को कम से कम टच कीजिए। अगर पेज आपका ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, जैसे मान लेते हैं ऐसा नहीं है कि 32 पेज की अगर कॉपी है तो 32 के 3200 पेज भरना है आपको, ऐसा नहीं। मिनिमम एक ऐसा सिस्टम सेट करके रखिए कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का अगर कोई एक क्वेश्चन दिया गया तो एक क्वेश्चन का मिनिमम समझ लीजिए कि आपको 3 पेज में आंसर लिखाना चाहिए। अगर आपका 3 पेज के आसपास में क्वेश्चन का आंसर लिखा रहा है तो अच्छा है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के टाइम में 2-3 पॉइंट का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर करने के टाइम में क्या क्या, सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में इंट्रोडक्शन लिखिए, मतलब वो है क्या, ठीक है, उसके बाद में इसको जो स्ट्रेटेजिक पैटर्न है, ठीक है, मतलब उसमें ये जो क्वेश्चन होता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ये क्यों कैसे, ये जो सारा सवाल है इसका सवाल का जवाब उस आंसर में आपको देना चाहिए। और लगभग ये आप सेट कीजिए कि 3 पेज के आसपास में आप आंसर लिख दीजिए। 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 या 15 पेज बहुत है, ठीक है, 15 से 20 पेज अगर सिद्धत से लिख देते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को टच करना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को टच नहीं करे, कम से कम मिनिमम 20 पेज के आसपास लिखिए, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, मतलब जो एग्जाम हो रहा है इसके लिए तैयार रहिएगा। मैंने आपको नहीं बता दिया कि हिंट भी कर दिया, एग्जाम में छूट भी रहेगी तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड आपका 15 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो गया। मिनिमम कॉपी कितना लिखना है, एग्जाम के लिए टिप्स भी मैंने आपको दे दिया। प्रैक्टिकल एग्जाम कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम मिस कीजिएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा। जैसे वैसा काम कीजिएगा ना, प्रैक्टिकल एग्जाम जरूर दीजिएगा, ठीक है, और फाइनल एग्जाम भी जरूर दीजिएगा। अगर फाइनल एग्जाम में एक भी एग्जाम मिस कीजिएगा तुरंत रिजल्ट आपका प्रमोट में हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, परेशान होते रहिए, जैसे वैसा काम कीजिएगा, ठीक है। और जो भी रिलेटेड आप अगर आप किसके बावजूद अगर किसी भी प्रकार का आपका कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इस छोटे से फिलहाल में इस वीडियो को मैं क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।